हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चैन में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं अब जो T20 ब्लास्ट का लास्ट मैच खेला जाने वाला लिस्टा सार और डर्बी सार का जो मैच खेला जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। इसकी टीम मैप बना रखी है, मैं आपको बता दूंगा, आपको प्रीव्यू वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग में दिखा दूंगा ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा स्किप करके आगे ना बढ़ना पड़े। उससे पहले फ्रेंड अगर आपने हमारी ऊपर की सारी वीडियो अगर नहीं देखी, वुमेन्स सुपर लीग की तीनों वीडियोज़ और TNPL की एक वीडियोज़ अगर आपने हमारी ये नहीं देखी हो तो इनको प्लीज़ देख लीजिए। बाकी अगर T20 ब्लास्ट के ऊपर के दोनों मैचेस की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो में जाके, क्योंकि मैं इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लिस्टा सार और डर्बी सार की जो मैच खेला जाएगा लास्ट मैच, इसकी वीडियो यहाँ पे देने वाला हूँ। बाकी फ्रेंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए टीम आपको दिखा तो मैंने किस तरह से टीम बना रखी है। बट फ्रेंड अगर जो लोग यहाँ पे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अधिकतर पब्लिक यही है जो खाली यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहती है, प्रीव्यू देख के आगे जाना चाहती है, मतलब बाकी बातें नहीं सुनना चाहती। बाकी वो लोग वही होते हैं जो जिनको पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर आप लोग 5 से 7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, आपकी समझ में आएगा, आपको खुद से पता चल जाएगी आपको किस तरह की टीम यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपका वीडियो को देखना ना देखना आपकी मर्जी, हमारा काम वीडियो बनाना है, आपको सेशन करना, आपको गाइड करना है, तो हम वो काम कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो खाली प्रीव्यू देखना चाहते हैं टीम का, तो उनके लिए प्रीव्यू मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ पहले, ताकि आपको वीडियो स्किप करके ज़्यादा आगे ना बढ़ना पड़े, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको प्रीव्यू पहले ही दिखा दिया। जैसे कि यहाँ पर विकेट कीपर में सुंडेल्स को लिया है, उसके बाद मार्क कास्ग्रोव को लिया हुआ है, वेनी मैटसन को लिया हुआ है, गोल्डीमैन को लिया हुआ है और एल डुप्लोए को लिया हुआ है। बाकी जो आपको जब बैट्स लगते हैं तो वो अलग ले सकते हो। बाकी 3 मैंने ऑलराउंडर लिए हैं, कॉलिंग अकरमैन को लिया, सी पार्किंसन को लिया और डिस्से को लिया। उसके बाद 3 मैंने बॉलर्स लिए हैं, एरन लिल्ली को लिया, रामपाल को लिया और लेन वैन वीक को लिया है। तो ये रहेंगे मेरे 11 प्लेयर की टीम्स। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है तो हमारी टीम के साथ जा सकते हो। बाकी ये उन लोगों के लिए था जो खाली प्रीव्यू देखना चाहते हो, बाकी अगर जो लोग वीडियो में आगे पूरा बनना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर सेशन आपके लिए क्या क्या बेस्ट होना है, क्या क्या मैच में हो सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड ये पिच जो है डर्बी शहर के पीछे काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है यहाँ पर, स्पेशली डर्बी वाले यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलते हैं और यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हैं। तो आप कोशिश करना मैक्सिमम बैट्समैन यहाँ पर डर्बी शहर के लेने की कोशिश करना ताकि आपकी टीम एक बैलेंस टीम बने और एक विनिंग टीम बन सके। तो विकेट कीपर में मेरे को एक बेस्ट ऑप्शन लगे जो सुंडेल्स हैं, इनके अलावा अगर आपको कोई लगता है जैसे डी स्मिथ हैं तो आप इनको ले सकते हो, बट मुझे सुंडेल्स जो है हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में एकमात्र ऑप्शन लगते हैं। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो किसी और को, बट मैं इनके साथ ही जाऊँगा। अब बात करते हैं बैट्समैन की, बैट्समैन में गोल्डमैन को लिया, मार्क कास्ग्रोव को लिया है, वेनी मैटसन को लिया, डुप्ले को लिया। बाकी यहाँ पर ऑप्शन जो है खास ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, केवल एकमात्र ऑप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो उनको ले सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अली क्या इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोनों में से किसी को भी, बट मैं हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में सजने को ये हडसन जो एकमात्र जो इनकी कमी खली है मुझे टीम में जो बैटिंग में वो ये हैं, केवल हडसन। अगर आप इनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो किसी एक ऑलराउंडर को कम करके, बट मैं ऑलराउंडर को कम नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जो ऑलराउंडर जो मैंने लिए बेस्ट मुझे लग रहे हैं। अगर आप रखना चाहते हो किसी और को तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगा, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। बट जहाँ तक मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन काफ़ी बेस्ट है, हडसन यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से, बट आप बनाना रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर में जो रखे हुए मैंने 3 बेस्ट जो मुझे लगे मैंने रख लिए। बाकी फ्रेंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना ताकि वहाँ पर आपको हमारी हर कोई अपडेटेड टीम्स मिल सके टॉस के बाद, क्योंकि टॉस के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना ताकि वहाँ पर आपको हमारी हर कोई अपडेटेड टीम टॉस के बाद जो होती है वो आपको मिल सके। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, जो ऑलराउंडर मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया। और फ्रेंड अगर आप लोग प्लेयर स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो। बाकी मैं फ्रेंड यहाँ पर आपको टीम प्लेयर स्पॉट की यहाँ पर तो नहीं दिखाऊंगा, बट ये है कि आपको टॉस के बाद जो टीम्स आएंगी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर प्लेयर स्पॉट की। तो बने रहिए, अगर आप खेलना चाहते हो खेल, अगर आपको नहीं पता कैसे खेलना क्या करना तो हमने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा वहाँ पॉइंट सिस्टम क्या है। तो वो सब चीज़ देखिए, थोड़ा यहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई है तो इसीलिए मैं थोड़ा हटके खेलने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी थोड़ा सजेस्ट करूँगी हटके थोड़ा खेलोगे तो आप अच्छे खासा विनिंग में रहोगे, अच्छे खासा विनिंग चांस आपके रहेंगे। कॉलिंग अकरमैन को लिया डीसे को लिया और यहाँ पर पार्किंसन को मैंने लिखा। बाकी आप ह्यूजेस को लेना, ह्यूज ले सकते हो, क्रिस्टली खेलने वाले इनको ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में, आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, बॉलर्स में जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए हैं और बाकी सेशन में आपको बता दूंगा क्या क्या होने वाला, क्या क्या आप किस किस को यहाँ पर रख सकते हो बता दूंगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। बस बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखना। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्लान
रामपाल को लिया, उसके बाद मैंने एरॉन लिली को लिया, उसके बाद मैंने पे जो तीसरे जो मेरे बॉलर हैं वो लैन वैन विक रहने वाले। बाकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रिप्स हैं, कैलिन खेलने वाले हैं, राइट खेलने वाले हैं, मैट वाटर आई थिंक नहीं खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बॉयड रैंकिंग है, डेविस है, इनको लेना चाहते ले सकते हो, डेविस भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। लैन वैन विक की जगह डेविस को रखना है तो डेविस भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, डेविस को रख सकते। चलिए अभी डेविस को रख लेते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे टॉस के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन और वाइस कैप्टन जो मुझे सेफ लगे वो मैंने रख लिया, अगर आपको लगता है इनसे अलग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जिस तरह के पिच अपने यहाँ पर कोई भी बैट्समैन स्कोर अच्छा खासा कर सकता है, 50-60 प्लस यहाँ पर कोई भी स्कोर यहाँ पर कोई भी बैट्समैन आपका कर सकता है। तो आपको उसी तरह से अगर आपको लगता है किसी बैट्समैन पर विश्वास है ऐसा तो आप उनको बना सकते हैं। कॉली मक्करन को मैंने यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन रिसे को बनाया हुआ है। यहाँ पर आप स्विंडिस हो गए, गोल्डी मैन हो गए, वेनी मेडिसन हो गए, लुपे हो गए, मार्क हो गए, सारे के सारे अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड वाइस कैप्टन के। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि ये भी यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा कोई भी बैट्समैन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने रख लिया वही स्कोर करेंगे, इनके अलावा कोई और नहीं करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो ये होगी फ्रेंड हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में अगर आप देखोगे फ्रेंड स्विंडल जो हैं इन पर कम लोगों का फोकस होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के, अब इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करते हो ग्रैंड लीग में तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल रहने। दूसरी बात यहाँ पे जो है बिली गोल्डमैन दो करता होगा, मगर वेनी मेडिसन और लुपा इन दोनों पे लोगों का कम ध्यान होगा कैप्टन वाइस कैप्टन के। अगर आप इनमें से किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट। अब जैसे रीसे और अक्कर मैन फ्रेंड इनकी परसेंटेज हाई होगी, देख लीजिए एक बार फ्रेंड कितनी परसेंटेज, इनकी परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी परसेंटेज होगी। इनकी परसेंटेज काफ़ी हाई होगी इनकी, अगर आप इनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो ग्रैंड लीग में। बट ये होगी ऐसे प्लेयर को अगर आप मिस करते हो और आपका ये प्लेयर अगर फ्लॉप हो जाता है तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पे उस प्लेयर के फ्लॉप होने की वजह से। तो ये हमारा ग्रैंड लीग के लिए सजेशन था। अगर आपको हमारा सजेशन अच्छा लगा हो तो आप जा सकते हो किसी हेड टू हेड में, क्योंकि सॉरी ग्रैंड लीग में, क्योंकि काफ़ी टीम्स लगाते हैं ग्रैंड लीग में, तो इसलिए किसी एक टीम में इस तरह की टीम बना सकते हो सकता है आपकी ये विनिंग टीम बन जाए ग्रैंड लीग की। तो चलिए फ्रेंड ये थे हमारे हेड टू हेड ग्रैंड लीग थ्री हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। बाकी ग्रैंड लीग के मैंने सेशन आपको दे ही दिए हैं, अगर आप इनमें से बनाना चाहते किसी को तो आपको लगता है कि ये कर सकते हो आप बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड इस मैच के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं अपने सारे मैचेस यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, अगर आपको देखना चाहते हो हमारी सारी वीडियो को देख सकते हो, और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, मिलते हैं कल की वीडियोस में, देखते हैं और क्या रहता है हमारी आज की टीम्स की परफॉर्मेंस, वो सब कुछ आपको पता चलेगा टेलीग्राम पे, आपको साथ साथ मैच के साथ ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।